Assalamualaikum students, I am Ahmed Iqbal, MPhil Physics. Today we are going to study about screw gauge. पिछले दिनों हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था. इसकी जो लीस्ट काउंट था हमारे पास था 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर था. अब जो है आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में. अगर हमारे पास इससे भी स्मॉल चीज़ें आ जाती हैं उनकी लेंथ मालूम करने के लिए या उसका डायामीटर मालूम करने के लिए या फिर थिकनेस ऑफ शीट मेटल शीट की थिकनेस को मालूम करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा वो स्क्रू गेज होगा. हम इसकी अपनी बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं. स्क्रू गेज क्या चीज़ है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि स्क्रू गेज हमारे पास है कि स्क्रू गेज इज़ यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ, यानी कि सबसे छोटी लेंथ, ऐसी लेंथ जिसको हम वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते हैं, या फिर हम डायामीटर ऑफ वायर, वायर का डायामीटर, बारीक मेटल की वायर जो होती है उसका डायामीटर मालूम करने के लिए, थिकनेस ऑफ मेटल शीट, कोई भी शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम उसको स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं. आगे बढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर. कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले हमें लिखा हुआ है जो मैंने, ये क्या यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है हमारे पास, कुछ इस तरह होता है. यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है हमारे पास, यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है जिसके साथ यहाँ पे एक मेटल स्टड लगा होता है. ये जो पॉइंट होता है हमारे पास, ये होता है मेटल स्टड लगा होता है. ये जो फिक्स्ड होता है ये मूव नहीं कर रहा होता है हमारे पास. उसके बाद है हॉलो सिलेंडर लगा होता है. हॉलो सिलेंडर क्या कर रहा होता है हमारे पास, यूँ एक हॉलो सिलेंडर होता है जो कि मूव कर रहा होता है. मूव यानी कि आगे पीछे उसको हम मूव करवा सकते हैं. इसके इस सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे हमारे पास लाइंस बनी होती हैं जिसे हम इंडेक्स लाइंस कहते हैं या मेन स्केल भी इसको हम कहते हैं, मेन स्केल भी कह सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है, इधर एक सर्कुलर स्केल आ जाता है, कुछ इस तरह सर्कुलर स्केल आ जाता है. अब सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल के ऊपर यहाँ पे लाइंस लगी होती हैं, लाइंस लगी होती हैं, यहाँ पे सर्कुलर स्केल के ऊपर लाइंस लगी होती हैं हमारे पास. इन लाइंस को ये जो लाइंस होती हैं कितनी होती है हमारे पास, ये 100 डिविजन्स होती हैं. यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि ये कितनी डिविजन होती हैं, हमारे पास 100 डिविजन्स होती हैं. आगे आ जाएँ इसके, अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन का उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा. अब आगे चलते हैं हम लिस्ट काउंट की तरफ. द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डैट कैन बी टेकन बाई यूजिंग द स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा हमारे पास. यानी कि सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम किसी भी स्क्रू गेज से ले सकते हैं, सब छोटी से छोटी, वो क्या कहलाती है हमारे पास, लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का होता है. आगे है हमारे पास इसकी पिच भी होती है. पिच क्या चीज़ है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल. यानी कि स्पिंडल जो होता है हमारे पास, ये सिलेंडर होता है जो इंडेक्स लाइंस के दरमियान जो हमारे पास कंसेक्टिव जो थ्रेड्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्रू गेज की पिच कहते हैं, जो कि हमारे पास कितनी होती है, 1 मिलीमीटर होती है. यानी कि जो ये स्पिंडल्स होती हैं इनके दरमियान जो हमारे पास जो गैप होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं स्क्रू गेज की. अब आगे है कि लीस्ट काउंट की मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं. अब मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज है. अब स्क्रू गेज की पिच क्या, हमें पता है कि कितनी डिविजन होती हैं हमारे पास, सर यानी कि 1 है इसकी हमारे पास, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, 1 है. यानी कि इसकी दरमियान की फासला जो है हमारे पास कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है. आगे आ जाए हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. नंबर ऑफ डिविजन्स हमने पढ़ा है कि हमारे पास सर्कुलर स्केल में कितना होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे पास सर्कुलर स्केल में कितनी होती है, 100 नंबर ऑफ डिविजन्स होती है. यानी कि 100 डिविजन्स में वो सर्कुलर स्केल डिवाइड होता है हमारे पास. तो इसी तरह हमारा जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 / 100. तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा. हाँ, अगर हम इसको अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा कि 0.001 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह. तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ गया है इसका, 0.01
0.01 मिलीमीटर आ गया है हमारे पास, या फिर 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया है। आगे बढ़ते हैं कि एरर, जीरो एरर, जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर पढ़ा था, इसी तरह हमारे पास स्क्यू गेज का भी जीरो एरर है। इस कैसे है कि जीरो, इफ जीरो ऑफ सिलेंड्रिकल स्केल, सिलेंड्रिकल स्केल नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन, यानी कि ये जो इंडेक्स लाइन है हमारे पास, इसका साथ कंसाइड ना करें, जैसे कि दोनों आपस में कंसाइड नहीं कर रही है, बल्कि जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो बिहाइंड है, पीछे की तरफ है, तो जो हमारे पास क्या होगा, तो इट इज कॉल्ड जीरो एरर। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो एरर कहेंगे, यानी कि जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन और एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर लाइन आपस में मैच नहीं करेंगे तो हमारे पास जीरो एरर होगा। आगे जीरो एरर जो होता है हमारे पास, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक नेगेटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है कि पॉजिटिव जीरो एरर होता है कि इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड, यानी कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, ये वाला सर्कुलर स्केल है हमारे पास, इसका जीरो जो है वो जीरो ऑफ इंडेक्स लाइंस के पीछे रह जाए, उससे पहले ही जीरो आ जाए, हमारे पास दोनों मैच ना करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। हम क्या इससे, हमें पॉजिटिव जीरो से क्या पड़ा कि अगर जीरो ऑफ सर्कुलर लाइन, सर्कुलर लाइन से लाइन का जो जीरो है वो बिहाइंड पीछे रह जाए, यानी कि वो जीरो के साथ, इंडेक्स लाइन के जीरो के साथ मैच ना करे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। आगे हम जो हटते हैं नेगेटिव जीरो एरर की तरफ। नेगेटिव जीरो एरर में क्या है कि इसी तरह इसका वाइस वर्सा है कि हमारे पास वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि क्रॉस कर जाएगा। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन, देन द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। ये देखिए कि हमने ये क्या हुआ कि अब ये यहाँ पे हमारे पास ये इंडेक्स लाइन का जीरो है हमारे पास, ये है सर्कुलर स्केल का जीरो, इसने क्या किया कि इसके आगे जाके क्रॉस कर लिया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन, देन द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। अगर हमारा जीरो हो जो सर्कुलर स्केल का है वो इंडेक्स लाइन के जीरो से आगे चला जाएगा, तो हमारे पास हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्रॉस कर जाएगा तो हमारे पास जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जीरो एरर को हम आगे बढ़ते हैं कि जीरो एरर को हम कैसे इसके जीरो मिनिमाइज कर, यानी कि इसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं हम। जैसे अगर पॉजिटिव जीरो एरर आया है, फर्ज करें कि ये हमारे पास ये जो लाइंस बन रही हैं हमारे पास 0.17 बन रही है हमारे पास, कितनी बन रही है 17, यानी कि इसलिए जीरो एरर के आगे कितनी बिहाइंड रह गई है, 17 रह गई है। अब 17 जो लाइंस बन रही है हम उसके लीस्ट काउंट से, यानी कि ये 0.1 मिलीमीटर है ना, तो 0.01 मिलीमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा हमारे पास इसका 0.17 ऑलमोस्ट आ जाएगा इसका आंसर, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर क्या करेक्शन हो जाएगी। इसी तरह ये जो होगी हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होगा, जब जीरो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, फर्ज करें कि वो हमारे पास क्रॉस कर गया है, कितना आ गया हमारे पास जीरो, हमारे पास कितनी लाइन्स क्रॉस की हैं उसने, 5 लाइन्स उसने क्रॉस कर दी हैं। अब उसने 5 लाइन्स क्रॉस कर दी है, तो हम उसको किससे कैसे करेंगे, उसको लीस्ट काउंट से जितना भी हमारे पास एरर आया है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो हम उसको हम उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जीरो करेक्शन हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 था, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया हमारे पास, कितना गया 0.05 हो गया। अब ये हमारे पास ये इतना एरर आ चुका है हमारे पास, नेगेटिव जीरो एरर आ चुका है, तो अब हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हमने इसका एरर जो रिजल्ट होगा हमारा, एक्चुअल रिजल्ट होगा जो हमने निकाला हुआ है, अपनी मेजर्स भी निकाली हैं, उसमें से ये इतना क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी, जीरो एरर करेक्शन हो जाएगी। पॉजिटिव जीरो एरर में हम करेक्शन क्या करेंगे कि जो हमारे पास एरर होगा, जितनी लाइंस आगे होंगी उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको एक्चुअल रिजल्ट से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेगेटिव जीरो एरर जो होगा हमारे पास उसको क्या करेंगे, हम उसको लीस्ट जितनी लाइंस उसकी क्रॉस कर जाएंगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज से
हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर उसको हम क्या कर देंगे, जो एक्चुअल रिजल्ट जो होगा मेजरमेंट्स होंगी उसको उसमें से हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इस तरह हमारा नेगेटिव जीरो एरर जो होगा वो करेक्शन हो जाएगी उसकी हमारे पास। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।